सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मपीडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि 2022 आने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर मैं 2021 में आए सारे सुपर हीरो मूवीज को रैंक करने वाला हूँ। ये लिस्ट मेरी अपनी होने वाली है, तो हो सकता है आप इस लिस्ट और रैंकिंग से डिसएग्री करो, तो आप अपने रैंकिंग्स इन मूवीज के ऊपर कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ मार्वल और डीसी की मूवीज को इंक्लूड कर रहा हूँ, और इस वीडियो के अंदर मैं मार्वल डिज्नी प्लस सोर्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। उन सोर्स के ऊपर हो सकता है मैं कोई डिफरेंट वीडियो बनाऊँ। बाकी अगर आप मेरे चैनल में पहले बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं और बॉटम ऑफ द लिस्ट वाली मूवीज के बारे में बात करते हैं। इस लिस्ट के बॉटम पे मुझे समझ नहीं आया मैं किस मूवी को रखूं, क्योंकि मुझे दोनों मूवी इक्वली बैड लगती है। तो इसलिए मैंने लिस्ट के बॉटम में दो मूवीज को रखा है, और ये दो मूवीज हैं ब्लैक विडो और वेनम 2। ब्लैक विडो और वेनम 2 मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अगर मैं ब्लैक विडो के बारे में बात करूं, तो ब्लैक विडो को ऑब्वियसली एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद रिलीज होना चाहिए था, और एंड गेम से पहले रिलीज होना चाहिए था। ब्लैक विडो एक जेनरिक मार्वल मूवी लगती है विद अ वेरी 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 बैड विलन। इस मूवी के अंदर टास्क मास्टर विलन है, जो कि एक काफी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था पर्सनली मेरे लिए, और मे बी सारे मार्वल फैंस के लिए भी। इस मूवी के अंदर एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे थे, पर मुझे इस मूवी की स्टोरी अच्छी नहीं लगी, इस मूवी का विलन अच्छा नहीं लगा। पर कम से कम इस मूवी ने कुछ नए करेक्टर्स को एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया है, जो कि काफी अच्छे हैं, जैसे कि फ्लोरेंस प्यू की ब्लैक विडो और डेविड हार्बर का रेड गार्जियन। मे बी ये मार्वल के अंदर कुछ अच्छा काम कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर, और मे बी टास्क मास्टर भी फ्यूचर में जाके अच्छा बन सकता है, लेट्स होप फॉर दैट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वेनम 2 की, तो वेनम 2 एक काफी छोटी मूवी थी, सिर्फ 90 मिनट्स की, और इस मूवी के अंदर भी मुझे विलन बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्लिटस कैसिडी और कार्नेज एक काफी बेहतरीन विलन हो सकते थे, पर इस मूवी के अंदर क्लिटस कैसिडी को और कार्नेज को वेस्ट किया गया है। इस मूवी के अंदर कार्नेज और वेनम का फाइट सिर्फ एक बार होता है, वो ही मूवी के लास्ट में, जो कि मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि ये मूवी सिर्फ सेटअप है वेनम 3 के लिए। इस मूवी का पोस्ट का सीन अच्छा था, पर पोस्ट का सीन अच्छा होने से कोई मूवी अच्छी नहीं होती है। मुझे पर्सनली वेनम 2 भी काफी पसंद नहीं आया था। सो इस लिस्ट के ऊपर नंबर 6 पोजीशन पे ब्लैक विडो और वेनम 2 टाई कर रहे हैं। सो मूविंग ऑन, इस लिस्ट के ऊपर नंबर 5 पे मैंने रखा है इटर्नल्स को। इटर्नल्स मार्वल की वन ऑफ द वर्स्ट रेटेड एमसीयू मूवी बन गई है इस साल की, पर मुझे पर्सनली ये मूवी ओके ओके लगी। इस मूवी में भी विलन्स को ज्यादा डेवलपमेंट नहीं दिया गया था, और इस मूवी का भी विलन काफी ज्यादा कमजोर था, पर इस मूवी के विजुअल्स काफी अच्छे थे, इस मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस काफी अच्छे थे, और कुछ कैरेक्टर्स इन पर्टिकुलर मुझे काफी अच्छे लगे थे इस मूवी के अंदर, जैसे कि रिचर्ड मैडन कैरेक्टर, सर्सी कैरेक्टर और कुमार नंजियानी के किंगो कैरेक्टर मुझे काफी पसंद आया इस मूवी के अंदर। इस मूवी की स्टोरी भी ओके ओके थी, कुछ चीजें इस मूवी के एंडिंग में सेंस नहीं बना रही थी, जैसे कि एवेंजर्स कहाँ है इतने बड़े इवेंट के दौरान, पर फिर भी क्योंकि मार्वल ने इस मूवी के साथ कुछ नया करने की कोशिश की, इसलिए मैं इस मूवी को पास दे रहा हूँ। प्लस ये मूवी उतनी ज्यादा खराब नहीं थी जितनी खराब इसकी रेटिंग्स आए थे। इस मूवी की एंडिंग इटर्नल्स 2 को काफी अच्छे से सेटअप करती है, और आई थिंक इस मूवी ने काफी सारे अच्छे करेक्टर्स को एमसीयू के अंदर ऐड किया है, इसलिए मूवी खराब भी नहीं थी और बहुत ही ज्यादा अच्छी भी नहीं थी, इसलिए मूवी नंबर 5 पे है मेरे लिस्ट पे। मूविंग ऑन, नंबर 4 पे मैंने रखा है द सुसाइड स्क्वाड को या फिर सुसाइड स्क्वाड 2 को। तो जेम्स गन ने द सुसाइड स्क्वाड को डायरेक्ट करने में काफी अच्छा काम किया है। ये मूवी बहुत ही ज्यादा फनी थी, प्लस इस मूवी ने काफी सारे नए करेक्टर्स को भी डीसी के अंदर इंट्रोड्यूस किया, और ये सारे करेक्टर्स मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आए। इस मूवी के अंदर काफी सारा इमोशन भी था, और काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न से भी ये मूवी भरी हुई थी, जिसके कारण ये मूवी मुझे पर्सनली काफी पसंद आई थी, और इसलिए मूवी डिजर्व करती है नंबर 4 पर रहना इस लिस्ट के अंदर। सुसाइड स्क्वाड 2 सच में एक काफी अच्छी डीसी मूवी थी, और होपफुली जेम्स गन को डीसी और मौका दे ऐसे ही सुसाइड स्क्वाड से रिलेटेड मूवीज बनाने के लिए। अभी जनवरी में पीस मेकर आने वाले जॉन सिना की, और होपफुली वो सीरीज भी द सुसाइड स्क्वाड के जैसे ही अच्छी हो। बाकी मूविंग ऑन, नंबर 3 पे मैंने रखा है सैंगची को। सैंगची एक काफी अच्छी मार्वल मूवी थी इस साल जो रिलीज हुई है। इस मूवी के अंदर बहुत सारे नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए मार्वल ने, और मुझे पर्सनली सिमु लियू का सैंगची बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। इस मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ज्यादा बेहतरीन थे, प्लस इस मूवी के विजुअल्स भी काफी ज्यादा बेहतरीन थे। सिमु लियू के सैंगची के अलावा एक्वाफिना की केटी मुझे इस मूवी के अंदर काफी ज्यादा पसंद आई थी। प्लस इस मूवी का बेस्ट कैरेक्टर हैंड्स डाउन वेनवू था, यानी कि सैंगची के फादर थे, एक ये मैंडरिन था। मैंडरिन हार्ट एंड सोल था इस मूवी का, और मुझे इस मूवी के अंदर वेनवू कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आया था। प्लस सैंगची की मूवी काफी ज्यादा फनी थी। इस मूवी ने सैंगची 2 को और सैंगची के कैरेक्टर को काफी अच्छे से एस्टैब्लिश कर दिया एमसीयू के अंदर, और होपफुली सैंगची को हम आगे भी काफी सारे एमसीयू प्रोजेक्ट्स में देखेंगे, और होपफुली सैंगची भी अब हमें एवेंजर्स टीम के अंदर देखने को मिलेगा। सैंगची वन ऑफ द बेस्ट मूवी थी मार्वल की जो इस साल रिलीज हुई है, और इसलिए मूवी डिजर्व करती है नंबर 3 पर रहना इस लिस्ट के अंदर। मूविंग ऑन टू नंबर 2, वी हैव स्नाइडर कट, यानी कि जैक स्नाइडर जस्टिस लीग। सो लगभग 3 साल के वेट के बाद जैक स्नाइडर को अपना वर्जन ऑफ जस्टिस लीग रिलीज करने की परमिशन वार्नर ब्रदर्स ने दे दी जैक स्नाइडर को। जैक स्नाइडर जस्टिस लीग 4 घंटे की एक एपिक मूवी थी, जो कि 2017 की जस्टिस लीग से बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थी। इस मूवी में हर एक करेक्टर का क्या मोटिवेशन था ये हमें समझ में आता है, और हर एक करेक्टर का करेक्टर डेवलपमेंट इस मूवी के अंदर बहुत ही बेहतरीन हुआ था।
फ्लैश का और साइबर का करेक्टर डेवलपमेंट इस मूवी के अंदर बहुत ही बेहतरीन हुआ था, जो पूरा का पूरा करेक्टर डेवलपमेंट एबसेंट था 2017 के जस्टिस लीग से। ये मूवी सच में एक काफी बड़ी इम्प्रूवमेंट थी 2017 की जस्टिस लीग से। इस मूवी के विलन्स काफी ज्यादा बेहतरीन थे, जहाँ पे इस मूवी के अंदर स्टेफन वुल्फ को काफी इम्प्रूव्ड वे में दिखाया गया है। प्लस स्नाइडर कट में स्टोरी भी ज्यादा कोहेसिव लगती है और पूरी की पूरी जस्टिस लीग की स्टोरी सेंस बनाती है। जहाँ पे 2017 की मूवी बहुत ही चौपी लग रही थी स्टोरी टेलिंग में, वहीं पे स्नाइडर कट की जस्टिस लीग काफी कोहेसिव थी और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग थी स्टोरी टेलिंग में। स्नाइडर कट के जस्टिस लीग ने डार्क साइड को भी डीसी में इंट्रोड्यूस कर दिया था। प्लस इस मूवी के अंदर हमें वापस से जेरेड लेटो का जोकर देखने को मिला था। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि डीसी स्नाइडर कट 2 भी बनाए और डीसी जैक स्नाइडर को मौका दे जस्टिस लीग 2 बनाने के लिए, क्योंकि मुझे पर्सनली जैक स्नाइडर का जस्टिस लीग काफी ज्यादा पसंद आया था। और अगर जैक स्नाइडर को मौका नहीं मिलता है जस्टिस लीग 2 बनाने के लिए तो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा बुरा लगेगा। और अभी के समय में तो ऐसा लग रहा है कि डीसी जैक स्नाइडर को मौका नहीं देने वाली है जस्टिस लीग 2 बनाने के लिए। पर जो भी है, ये मूवी तो एक काफी बड़ी एपिक थी और मुझे पर्सनली स्नाइडर कट काफी ज्यादा पसंद आया था इस साल के अंदर, इसलिए मूवी डिजर्व करती है नंबर 2 पर आना। सो अभी तक तो आपने गेस कर लिया होगा कि नंबर 1 पे कौन सी मूवी है। सो नंबर 1 पोजीशन को इस साल अगर कोई मूवी डिजर्व करती है तो वो मूवी डेफिनेटली स्पाइडरमैन नो वे होम है। स्पाइडरमैन नो वे होम एक काफी बड़ी एपिक मूवी थी जिसने लिटरली एवेंजर्स एंड गेम को भी टक्कर दे दी। स्पाइडरमैन नो वे होम की हाइप पूरे साल इंटरनेट पे थी और इस मूवी ने अपने हाइप के अकॉर्डिंगली डिलीवर भी किया थिएटर्स के अंदर। और आई डोंट थिंक कि मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि क्यों ये मूवी डिजर्व करती है नंबर 1 पोजीशन इस लिस्ट के अंदर। स्पाइडरमैन नो वे होम टॉम हॉलैंड की होम ट्रिलॉजी की वन ऑफ द बेस्ट मूवी थी, और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम वन ऑफ द बेस्ट मार्वल मूवी एवर मेड है। मुझे स्पाइडरमैन नो वे होम से लिटरली कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है और मुझे इस मूवी ने काफी ज्यादा सेटिस्फाई किया है। तो ऑफ कोर्स ये मूवी डिजर्व करती है नंबर 1 पोजीशन इस लिस्ट के ऊपर। बाकी आप मुझे कमेंट्स में लिख बताना ना भूले कि आप मेरे लिस्ट और रैंकिंग से एग्री करते हो या नहीं। अगर आप एग्री नहीं करते हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ कि आप इन मूवीज को कैसे रैंक करने वाले हो। और होपफुली मैंने सारे मूवीज को जो कि इस साल रिलीज हुई है मार्वल और डीसी की तरफ से इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। अगर मैंने कोई मूवी मिस किया है तो उस मूवी को प्रोबेबली आप बॉटम ऑफ द लिस्ट में डाल सकते हो, क्योंकि मुझे मूवी लिटरली याद भी नहीं है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।